जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे जब कार हमारी तरफ अप्रोच कर रही थी तो कार की जो हॉर्न था उसकी श्रिलनेस बढ़ रही थी। श्रिलनेस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, और जैसे ही वो हमसे दूर जा रही थी वैसे उसकी श्रिलनेस कम हो रही थी। तो इसी इफेक्ट को डॉपलर में एक्सप्लेन किया एज अ डॉपलर इफेक्ट। तो आज हम इसी डॉपलर इफेक्ट को पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है और किस तरीके से इसको जेईई मेंस और एडवांस्ड में कैसे कहाँ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पर आज हम डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन द वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। जब भी रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल सकता है, या तो जहाँ से सोर्स में, जहाँ से अपना हॉर्न की आवाज़ आ रही है, जहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, या तो वो चले, या तो सोर्स चले, मतलब आने, या कि सोर्स चले, या तो ऑब्जर्वर चले जो कि सुन रहा है उस आवाज़ को, ठीक है, या फिर दोनों चल सकते हैं। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब हमको ये डॉपलर इफेक्ट सुनाई देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई सोर्स भी चल रहा है और साथ साथ हमारा ऑब्जर्वर भी चल रहा है जो कि मतलब उस साउंड को सुन रहा है, और दोनों ही सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, तो इस समय रिलेटिव मोशन नहीं है। अब देखिए, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है। तो हम लोग को सेम ही ऐसी सिचुएशन हो गई कि यहाँ सोर्स रखा है, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, और ये दोनों, ये सिचुएशन और दोनों साथ में चल रहे, एक वेलोसिटी सिचुएशन, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है। चलिए अभी ये समझते हैं कि देखिए, जैसे हमारा ये सोर्स होता है तो इस तरीके की वेव जनरेट करता है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो एक वेव मिल रही, दूसरी वेव मिल रही, उसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक वेव मिलेगी, दूसरी वेव मिलेगी, तीसरी वेव मिलेगी, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ना, जो अल्टरनेटिव वेव्स के बीच का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, इसलिए हमको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो हम लोग को सेम सुनाई देती है या फिर एक समान की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। अब देखते हैं कैसे ये चेंज होता है अगर हमारा रिलेटिव मोशन हो। देखिए जैसे यहाँ क्या हो रहा है, अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक वेव जब आ रही है उसके काफी देर बाद दूसरी वेव आ रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक सेट पैटर्न में मान लीजिए ये लेंथ, इस लेंथ के बाद, इस लेंथ के बाद वेव आ रही थी, ठीक है। अब क्या हो गया, जो इस तरफ खड़ा है उसको थोड़ी ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ रही, ये वेवलेंथ ज्यादा हो गई, वहीं जो इस तरफ खड़ा है उसके लिए ये वेवलेंथ कम हो गई। तो अगर वेवलेंथ हमारी कम हो रही है तो हमारा उसका डायरेक्ट इफेक्ट फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ द साउंड सेम रहता है। ओके गाइस, तो आप लोगों को समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये देखते हैं कि कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, ये हम लोग कैसे पता करें। तो हालांकि आप लोग को इस डायग्राम की मदद मतलब से समझ में आ गया होगा कि आखिर में कम ज्यादा होता क्यों है, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग, लेट्स सी विद द डायग्राम वेदर द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे वही बात जो मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए ये हमारा सोर्स है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, दो जो साउंड वेव जनरेट हो उनके बीच की दूरी होगी, मान लीजिए एक वेव सुनाई दी उसके तुरंत बाद दूसरी वेव सुनाई दी, अब उनके बीच का अगर टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया, और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारा होता है 1/T, ठीक है। अगर किसी दो वेव के बीच के टाइम कम हो रहा है दैट मीन फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। ये नॉर्मल केस में हम लोग समझ सकते हैं, इसीलिए जब हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे ही कार हम लोग की तरफ आ रही थी वैसे वैसे हमें श्रिलनेस, जो कार के साउंड की श्रिलनेस थी वो तेज होती जा रही थी, ठीक। और जैसे ही कार दूर जा रही थी वैसे ही श्रिलनेस हमारी ज़्यादा होती जा रही थी। ओके, तो ये हमारी बात हो गई यहाँ पर। अगर यही सोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता तब क्या होगा, एक जो वेव आ रही उससे काफी देर बाद दूसरी वेव आ रही, दैट मीन टी जो है हमारा वो बढ़ जाता। अगर टी बढ़ जाता दैट मीन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई। तो अभी हम लोग डॉपलर इफेक्ट ने जो फॉर्मूला दिया हमारे डॉपलर साहब ने वो देख लेते हैं। तो डॉपलर ने जो फॉर्मूला दिया है वो ये है, एफ डैश इज द न्यू फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देने वाली है अगर रिलेटिव मोशन है, तो वो क्या होगी, वी प्लस माइनस वी नॉट, वी माइनस प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। अब आपके केस बदलते रहेंगे, कभी सोर्स चलेगा, कभी ऑब्जर्वर चलेगा, कभी दोनों चलेंगे, कभी सेम डायरेक्शन में चलेंगे, कभी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो वो सारे कैसे अप्लाई करना है वो आज आप सब कुछ सीख जाएंगे कि कब किस तरीके से फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। बस याद रखने वाली चीज़ है तो सिर्फ ये है, इसके बाद सब समझने की चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि दो पॉइंट रिमेम्बर रखने, दो पॉइंट याद रखने बस, क्या कि अगर टूवर्ड्स मोशन है, टूवर्ड्स मोशन क्या होता है, एक अगर दूसरे की तरफ जा रहा है, अगर हमारा ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो अगर हम लोग को ये देखना है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है
तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर की ये भूल जाएंगे कि वो चल रहा है या रुका हुआ है, उसको हम रुका हुआ ही मानेंगे, ठीक है। या आप ध्यान रखेंगे जब आप एक को चेक कर रहे हो तो दूसरे को रेस्ट पर ही मानेंगे, ओके। अगेन मैं कह रहा हूँ, जब आप एक को चेक कर रहे हो तो दूसरे को रेस्ट पर ही मानेंगे। तो जब आप सोर्स को चेक कर रहे हैं, दूसरे को रेस्ट पर मानेंगे, तो आपको मान लीजिए ये सोर्स इधर चल रहा था, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये टूवर्ड्स मोशन है। तो जब भी टूवर्ड्स मोशन हो तो अबव साइन लिया जाता है, अबव माने ऊपर वाले साइन, जैसे कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये जब भी टूवर्ड्स मोशन हो, टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जैसे सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है तो यहाँ पे सोर्स वाले में क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। उसी प्रकार अगर हमारा ऑब्जर्वर भी इधर की तरफ चल रहा है तो हम ये भूल जाएंगे कि सोर्स हमारा इधर आ रहा था, हम इसको रेस्ट पर मानेंगे, ये हमें अज्यूम करना है, रेस्ट पर मानेंगे और ये देखेंगे कि हाँ भाई ये तो इसकी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स मोशन है, तो ऑब्जर्वर भी अगर उधर ही जा रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, ये प्लस लेंगे, ठीक है। और अगर ये अवे मोशन है, अवे मोशन है, तो उस समय हम लोग क्या लेने वाले हैं, माइनस, ठीक है। अवे मोशन है तो सॉरी बिलो वाले साइन लेने वाले हैं, जैसे ऑब्जर्वर के लिए माइनस और सोर्स के लिए प्लस, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखनी है, टूवर्ड्स मोशन में अबव साइन, टूवर्ड्स माने ऊपर की तरफ वाले साइन, अवे माने नीचे की तरफ वाले साइन। और फॉर्मूला हमारा क्या, एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। एफ नॉट इज द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो सोर्स से निकल रही है, और एफ डैश इज द फ्रिक्वेंसी विच वी आर हियरिंग, द ऑब्जर्वर इज हियरिंग, जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, ठीक है। तो एक सिंपल सा केस है, समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, यहाँ पे एक कार है जो वी एस की वेलोसिटी इधर जा रही है। अब यहाँ पे हॉर्न लगा होगा तो ये ऐसे साउंड वेव जनरेट कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वी एस से इधर जा रही है, ये वी नॉट से इधर जा रही है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी एस, वी प्लस माइनस वी नॉट और वी माइनस प्लस ऑफ वी एस, ठीक है। अभी अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले को अपने हिसाब से कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, सोर्स को देखते हैं, सोर्स इसकी तरफ जा रहा है, इसको भूल जाएंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस सोर्स इसकी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स मोशन माने ऊपर वाले साइन, सोर्स में ऊपर वाला साइन माने कि माइनस लेंगे, ठीक है। वहीं अब यहाँ क्या करना है, अब ऑब्जर्वर को देखना, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स से, अभी भूल लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको रेस्ट मानो, सोर्स से अवे जा रहा है, अवे जा रहा माने नीचे वाला साइन, मतलब कि यहाँ भी माइनस लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, और हमारा फॉर्मूला आफ्टर कंक्लूडिंग फ्रॉम दिस केस, आफ्टर रीडिंग दिस केस, हमारा क्या आया, वी माइनस, यहाँ पे एफ नॉट और ऐड होगा, वी माइनस वी नॉट इन अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप और भी केस अपने आप से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आगे वाली वीडियोस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेंस एडवांस एवरीथिंग, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।